नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। जो ये हाईवे है, ये हाईवे उत्तराखंड में आने वाली गाड़ियों के लिए है। ये दिल्ली रोड है जो रुड़की जा रहा है रोड, और हरिद्वार जा रहा है और देहरादून जा रहा है। ये जो हाईवे है, ये फोर लाइन है जो दिल्ली से उत्तराखंड में एंट्री हो रही है। जो लोग यूपी से, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, अलग अलग स्थानों से आते हैं, ये वो सीमा है। ये उत्तराखंड की सीमा है जो उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। मैं देहरादून में नहीं हूँ, ये हरिद्वार ज़िले की तस्वीर है जहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप देखें, यहाँ पर भी पुलिसकर्मी है और यहाँ पर भी RT-PCR रिपोर्ट मांगी जा रही है, और एक रिपोर्ट मांगी जा रही है जिससे आप उत्तराखंड में आ सकते हैं। लेकिन जो लोकल के जो व्यक्ति हैं, वो लोग आराम से आ जा सकते हैं। लेकिन आप देखिए, यहाँ पर पुलिसकर्मी लगे हुए हैं और एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर जो रजिस्टर लेकर व्यक्ति बैठे हैं, ये गाड़ियों का नंबर लिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो गाड़ियाँ हैं जो माल ढुलाई का काम करती हैं, कहीं ना कहीं उनको जाने दिया जा रहा है। और उसके अलावा जो पुलिसकर्मी हैं, वो पुलिसकर्मी हर एक गाड़ी को रोक रहे हैं जो इमरजेंसी सेवा में नहीं है। आप देखिए, वहाँ पर ज़बरदस्ती हो रही है, वो सीधा जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिल्ली की गाड़ी है, लेकिन उनको कहा जा रहा है कि आप अंदर जाइएगा, वहाँ पर आपका कोविड टेस्ट हो सकता है या आपकी रिपोर्ट चेक की जा सकती है अगर आपके पास RT-PCR रिपोर्ट नहीं है। तो देखिए, गाड़ी अंदर की ओर जा रही है, उन्होंने अपना आधार कार्ड दिखाया, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ है। ये तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूँ, अगर आप दिल्ली रोड से भी आ रहे हैं, यहाँ पर भी आपको रोका जा सकता है, आपसे पूछताछ की जा सकती है। और कुछ पुलिसकर्मियों से भी यहाँ पर भी बात करने की कोशिश करेंगे, अंदर भी जाकर दिखाएंगे वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या वहाँ पर कोविड टेस्ट हो रहा है या फिर ऐसे ही रोककर अंदर की ओर जाने दिया जा रहा है, वो सारी बातें पूछने की कोशिश करेंगे। जो पुलिसकर्मी हैं, वो लोग यहाँ पर सतर्क है, 24 घंटे ड्यूटी रहती है। उत्तराखंड की सीमाओं पर आप जहाँ भी जाएंगे, सब जगह पुलिसकर्मी मिल जाएंगे आपको। जो गाड़ियाँ बाहर से आ रही है, चाहे वो टैक्सी है या किसी भी प्रकार की गाड़ी है, उस गाड़ी को बिना कोविड रिपोर्ट के अंदर नहीं भेजा जाता है, चाहे आप कहीं से भी आ रहे हो। मैंने उत्तराखंड की बहुत सारी तस्वीरें आपको दिखाई हैं, लेकिन आप बात करते हैं, एक पुलिसकर्मी यहाँ पर हैं, गाड़ी भी रोकने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बात करते हैं। एक सवाल है सर आपसे कि यहाँ पर किन किन गाड़ियों को रोका जा रहा है? बाहर से जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं उनको रोका जा रहा है। अच्छा, जो लोकल की गाड़ी है, क्या उनको जाने दिया जा रहा है? जो लोकली में है, जो छोटे मोटे काम से इधर उधर लोकली में गए हैं, उनको जाने दे रहे हैं बस। बाकी सबको अंदर अपनी रिपोर्ट दिखाएंगे, उसके बाद वहाँ से पास हो। अच्छा, अंदर क्या वहाँ पर कोविड टेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है अब? ये तो वही जाने अंदर वाले, वहाँ हो रहा नहीं हो रहा, आप अंदर जाके पता कर लीजिए। लेकिन हमारा काम यहाँ से बाहर की जितनी गाड़ियाँ आएंगी वो अंदर भेजना है उनको। आप देखिए, ये पुलिसकर्मी है, उत्तराखंड पुलिस है, और देखिए हरियाणा की गाड़ी है, इसको भी अंदर भेजा जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, चाहे आपके पास कोविड रिपोर्ट है या नहीं है, लेकिन अंदर भेजा जाता है, तभी वो दूसरी ओर निकल जाता है। लेकिन कोविड रिपोर्ट होगी तो सीधा भेजा जा सकता है आपको। तो आप जब भी आए तो थोड़ा संभल कर आए, अपना देहरादून स्मार्ट सिटी पर पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन करा कर आए, वहाँ पर आपको एक पास मिल जाएगा जिससे कि आप यहाँ से जा सकते हैं। अगर सर किसी के पास पास है तो क्या उसको जाने दिया जाएगा? हाँ, अंदर से वो तो पता करने है ना, अंदर वाला बताएगा। हाँ, यानी कि अंदर भेज दिया जाता है हमको। आप देख सकते हैं, जो ट्रक गाड़ियाँ हैं, माल ढुलाई का जो गाड़ियाँ हैं, उनको तो उत्तराखंड में आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं या फिर किसी काम से आ रहे हैं, उनको अंदर ही भेजा जाता है। अंदर के हम चलते हैं, हम तस्वीर दिखाते हैं कैसा अंदर का माहौल है। अब हम अंदर आए हैं और जहाँ पर कोविड टेस्ट हो रहा है, यहाँ के हालात देखिए, ना तो पानी की व्यवस्था है, ना खाने का प्रावधान है। आप देखिए, यहाँ पर जो सेंटर बनाए गए हैं, एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, ये सेंटर खोखले हैं, 2 बजे के बाद खोखले इसलिए हो जा रहे हैं, ना तो यहाँ पर डॉक्टर है, ना ही किसी प्रकार की कोविड की टीम है। और जो लोग हैं, जो दिल्ली से, हरियाणा से और अपने उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो तकलीफ में हैं, उनको वापस जाना पड़ रहा है कोविड रिपोर्ट ना मिलने की वजह से। ये कितने शर्म की बात है राज्य सरकार की कि हम अपनी राजधानी में बैठे हैं, देहरादून में, हरिद्वार में अधिकारी बैठे हैं, लेकिन कोई भी ध्यान ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पर जाकर देखा जाए कि कौन अधिकारी है, कौन नहीं है। कोई डॉक्टर तक नहीं है यहाँ पर,
हालात इतने बुरे हैं। एक मैम खड़ी है, कहाँ से आए हैं आप? मेरठ से। आप मेरठ से आए हैं, तो क्या कोविड के लिए अंदर भेजा गया था आपको टेस्ट कराने के लिए? हाँ जी, लेकिन यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कुछ भी किट नहीं है अवेलेबल, और बहुत देर से वेट भी कर रहे हैं, कोई बता भी नहीं रहा है ठीक से। कितने घंटे हो गए आपको आए हुए यहाँ पर? हमें एक घंटा हो गया। एक घंटा हो गया है। आप देखिए वो भाई साहब भी खड़े हैं, हालांकि वो हंस रहे हैं, क्योंकि वजह ये है क्योंकि ये हालात ही ऐसे हैं हमारे, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत लोग हम अपने खो चुके हैं, उसके बावजूद भी ये हालात हैं हमारे कि हमारी कोई भी व्यवस्था सही से नहीं है। मैं इसलिए दिखा रहा था आपको कि उत्तराखंड की सीमाओं पर हालात कैसे हैं, ये देखना ज़रूरी है। ये नारसन बॉर्डर है जहाँ पर मैं हूँ, और जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको अभी दिखा, देखिए यहाँ पर सर, यहाँ पर आप लोग ड्यूटी पर हैं, तो ये डॉक्टर कहाँ हैं यहाँ पर, जो किस वक्त आते हैं, क्या पता चलता है इनका, जो यहाँ पर लोग भटक रहे हैं? सुबह से लगा करके शाम को दोपहर के बाद तक 3 बजे तक ये लोग यहीं रहते हैं। अच्छा। और सभी की जांच करते हैं यात्रियों की। अच्छा। उन्हीं के आधार पर ही कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट देख करके अध्यापक लोग इनको पास बना करके देते हैं आगे जाने के लिए। अच्छा। और जब रात में समस्या ये आती है कि जब यात्री यहाँ पर अन्य स्टेट से आते हैं तो यहाँ जाँच की व्यवस्था नहीं है, तब उनके सामने भी और हमारे सामने भी समस्या होती है। ये तो ये जाते कहाँ हैं, मालूम ये किस वक्त आते हैं सुबह? इनकी सुबह ही ड्यूटी लग जाती है और 3-4 बजे तक ये लोग यहाँ रहते हैं, उसके बाद में कोई व्यवस्था ऐसी चिकित्सा की तरफ से नहीं होती है। तो 3 बजे के बाद क्या यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, जांच की कोई व्यवस्था नहीं होती सर। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए सर, हमें तो हरिद्वार जाने हैं। दिल्ली से आए, हरिद्वार जाना है आपको? हाँ, वापस भी जाना है हमें। तो अभी कितना टाइम हो गया आपका आए हुए यहाँ? 1 घंटा से ऊपर रहेगा यहाँ खड़े खड़े। 1 घंटा हो गया। तो अभी आपका कोविड का रिपोर्ट मिला कुछ? कुछ भी ना मिला हमें, तो जाने ही नहीं दिया जा रहा। हाँ, कोविड की जांच हो नहीं रही है यहाँ पे, हमारे काउंटर पे हमारी गाड़ियों को रोक दिया, कोविड का रिपोर्ट लेकर के आओ। अब हम कहाँ से लाए रिपोर्ट, हमें तो कोविड हुआ भी नहीं है। कितना टाइम हो गया आपका अभी? हमें आधा घंटा हो गया, आधा घंटे से हम परेशान हैं। अरे भाई, हम किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं क्या? इंडिया ही है ना। थोड़ा थोड़ा दूर दूर खड़े हुए, आप देखिए तकलीफ में है सब लोग, परेशान है। या फिर यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, ये सीमा है, उत्तराखंड की सीमा है। तो यहाँ पर आप जब आए तो क्या कहा गया आपको, अंदर किस लिए भेजा गया? बिना रिपोर्ट, बिना कुछ बोले अंदर दे दिया गया। यहाँ आके पता किया तो पता चला कोविड रिपोर्ट दिखाइए, पॉजिटिव निगेटिव, तब जाएंगे। वैक्सीनेशन का भी दोनों डोज लगाना चाहिए, तब देंगे। अब सिंगल डोज लगा हुआ है और रिपोर्ट हमें कोविड हुआ नहीं है। जाने नहीं दे रहे? अब आपको क्या समझ, रिपोर्ट के बिना नहीं जाने दे रहे? कोविड रिपोर्ट के बगैर नहीं जाने दे रहे? हाँ। अच्छा, कोविड रिपोर्ट के लिए यहाँ आप आए हैं, कोई डॉक्टर मिला है? टीम की सुविधा नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, ये टीम है, यही हमसे कह रही है कि यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ये टीम के बंदे हैं। वैसे आपका नाम की समस्या है? अच्छा, तो आप टीम के मेंबर हैं यहाँ पर? नहीं, मैं टीम का मेंबर हूं जी, मैं तो खुद ही जर्नलिस्ट हूं। आप गाजियाबाद से आए? हम जरा हरिद्वार जा रहे थे, हरिहर आश्रम। कोविड की रिपोर्ट नहीं है, आपको तकलीफ हो रही है? देखिएगा, एक पत्रकार है, उनको भी इतनी परेशानी झेलना पड़ रहा है उत्तराखंड में, शर्म की बात है, ये कोई मजाक नहीं है। क्योंकि वजह यह है कि अगर ये लोग ऐसे ही चले जाएंगे तो हो सकता है बड़ी दिक्कतें आ जाए, फिर रास्ते में पुलिस रोके इनको, फिर वापस भेजना पड़े। तो ये शर्म की बात है उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड में जो लोग आ रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं और तकलीफ में हैं। आपको और लोगों से बात करते हैं। मैम, आप कहाँ से आए? मैम, मैं गाजियाबाद से। अच्छा, तो आपको अंदर क्यों भेजा गया यहाँ पर? कुछ नहीं बताया, वहाँ से गाड़ी रोटेट कर देगा, इधर चले जाइए। देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन काउंटर। हां हां, आई थिंक नियर बाय आल्सो देयर इज नो इन्फॉर्मेशन काउंटर, एवरीबॉडी इज आस्किंग द वन अदर पर्सन कि क्या प्रोसेस है, क्या है, वी आर जस्ट चेकिंग। मैंने 3 लोगों से पूछा कहाँ जाना, एंड माय ड्राइवर इज रोमिंग हियर एंड देयर। फाइनली वी वर देयर, वहां से बोला कि पास लेके आओ। कहां से पास लेके आओ? वहां पे लिखा हुआ है कि वहां पे रजिस्ट्रेशन कर दो, दैट्स आई एम ट्राइंग टू डू। ठीक है, बट मुझे अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मुझे करना क्या है अभी। ठीक है, तो मेरे को एक बीमार लेडी है, उनको लेके वापस जाना है। अच्छा, कोई साथ में है? नहीं, वहां से उनको लेके उत्तराखंड में से मुझे वापस जाना है अपनी नानी को लेके, उनकी तबीयत काफी खराब है। कितना देर हो गया आपको आए हुए यहाँ पर? अभी तो आई थिंक 20 मिनट्स हुआ है, 20 मिनट हो गया है, बट कुछ पता नहीं है क्लैरिटी के किधर जाना है, कौन सी लाइन में लगना है, पास कहाँ से लेना है, किसके पास जाना है, कौन सी रिपोर्ट चाहिए। आप देखिए यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं है, सब लोग, मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, सब लोग दिखते कितने परेशान हैं लोग। कोई अपने मरीज को लेने आया है, कोई अपने काम के लिए आया है, कोई अलग अलग काम के लिए यहाँ पर लोग आए हैं, फिर भी उसके बावजूद भी
यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है, ये जिम्मेवारी किसकी है, कौन जिम्मेवार है इस बात को लेकर? हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, ये जो काउंटर बनाए गए थे जिनमें कोविड टेस्ट की बात बार बार सरकार कहती है, इनका कोई लाभ नहीं है। यहाँ पर ये 3 बजे के बाद कूड़ा बन जाते हैं। वजह ये है, यहाँ पर कोई भी कोविड चेक करने वाला है ही नहीं, कोई रिपोर्ट चेक करने वाला है ही नहीं। आपको जो उन्होंने बताया ये यहीं रहते हैं। सर ये आपने शिकायत करी, किसी अधिकारी से शिकायत करी इस बात की आपने? नहीं सर, शिकायत की तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है अभी। नहीं, वो हमारे ऊपर भी यहाँ बैठे हैं तहसील के कर्मचारी हैं, वो बात करते हैं और क्या, कुछ नहीं होता तब भी, कुछ नहीं हो रहा है। मतलब अधिकारी के कहने के बावजूद भी यहाँ पर किसी तरह का भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। 2 बजे ये लोग चले जाते हैं, उसके बाद ऐसा हो जाता है सुनसान, जैसे कि लॉकडाउन खुल गया है। तो इनकी क्या किया जाए, इनके साथ में क्या नहीं किया जाए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये रोज का मामला, एक दिन का नहीं है। और ये हाईवे की वो तस्वीर है जो उत्तराखंड में आ रहे लोग, वो तस्वीर है जो ज़्यादातर लोग आते हैं। और अगर सब लोग वापस जाएंगे, कोई इमरजेंसी भी होता है तो दिक्कतें हो सकती है, बड़ी घटना हो सकती है। आपको और तस्वीर भी दिखाएंगे, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया खबर से लेकर असर तक।